करनाल के सेक्टर 12 में लगने वाली संडे मार्केट के दुकानदारों ने संडे मार्केट को खोलने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते करनाल में लगने वाला संडे बाजार पिछले 4 महीनों से बंद चल रहा है, जिसके चलते संडे बाजार में रेहड़ी व फड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज बड़ी संख्या में संडे बाजार में रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदार लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन से पहले की तरह संडे बाजार खोलने का अनुरोध किया गया। दुकानदारों ने कहा कि लगभग 4 महीने से संडे बाजार बंद चल रहा है, उनका एकमात्र रोजी रोटी कमाने का जरिया संडे बाजार ही था। उन्होंने कहा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से दिए गए सुरक्षा के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। संडे बाजार में रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों ने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा है कि उनको रोजी रोटी कमाने के लिए संडे बाजार लगाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी कमाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहां हम आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है संडे बाजार बंद है। संडे बाजार जो करनाल की एक मशहूर मार्केट है, जिसके चलते यहाँ कार्य करने वालों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बताते चले कि संडे मार्केट में दुकान लगाने वाले आज लघु सचिवालय में इकट्ठे होकर प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे हैं। इस दौरान करनाल में लगने वाले संडे बाजार को खोलने की मांग उठाई गई। यह भी कहा गया कि बेशक मार्केट में बाहर से आने वाले या दूसरे राज्यों से आने वाले या शहरों से आने वाले दुकानदारों को मना किया जाए, परंतु करनाल के जो लोकल दुकानदार है उनको संडे बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य करने की मंजूरी दी जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संडे बाजार में रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। किस मुद्दे को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं? मुद्दा सर ये है, गरीब आदमी है, फड़ी लगाते हैं संडे बाजार में, तो 4 महीने हो गए हैं तो हमारा बाजार नहीं लग पा रहा, सारे बंदों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो डीसी साहब पे हम पहले भी आए हैं, आज फिर आए हैं कि हमारा कुछ हल निकाला जाए। तो इस समय बहुत पोजीशन टाइट है और बाजार लग नहीं रहा, क्या करेंगे बाबू जी? गरीब आदमी काम कुछ भी नहीं करते, संडे पे ही डिपेंड है। 500-600 बंदों की रोटी चलती है उस पर, क्योंकि 500-600 जो फड़ियाँ लगती हैं ना वो सब संडे बाजार पे ही डिपेंड है सर। ये जो मंडियां लगती हैं उन्हीं में लगाते हैं, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और आज सब मंडियां बंद हैं, संडे बाजार बंद है, दाल रोटी का लाले पड़ गए हैं, सारे घर में बैठे हुए हैं, सब घरों में बैठे हैं। संडे बाजार वाला कोई भी लगाते थे, आज बुधवार को लगाते थे, वीरवार को लगाते, कोई भी बाजार लग नहीं रहा, सब बंद पड़े हुए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि हमारी समस्या का कोई हल निकाला जाए, हमें बाजार लगाने की अनुमति दी जाए पर हमारा बाजार लगे। आज मजबूरन इकट्ठे हुए कहीं, बहुत मजबूरी है, बहुत समय से बहुत मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। अगर सब कुछ हर बार प्रशासन से उम्मीद है कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, अगले हफ्ते कह देंगे, प्रशासन पे जब भी जाते हैं हमारा कोई हल नहीं निकल रहा, तो मजबूरी हो गई। मिडिल क्लास तो है ही है, उसके बाद हमारे मकान भी किराए के हैं, जहाँ किराया देना होता है 3-3 महीने का किराया खड़ा है मालकों का, क्या करेंगे? किराया दिया नहीं जा रहा, वो तंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मकान खाली करो। डीसी साहब नहीं मिले आज, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई, पहले भी आए थे डीसी साहब ने आश्वासन दिया है आपका कोई ना कोई हल निकालेंगे और हमारा हल जरूर निकाला जाए। आप ऊपर उच्च अधिकारी से क्या अपील करना चाहते हो कि आप क्या हिदायतें रखोगे कि जिससे उनकी भी सेफ्टी बने रहे और आपकी भी सेफ्टी बनी रहे? सेफ्टी यही है कि दूर दूर जैसे पहले, अभी बीच में थोड़ा गैप है, उस गैप को बढ़ा के लगवा दिया जाए, चाहे एक टेंट खाली छोड़ के जो बाहर से आते हैं लोग, जैसे वो ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर के बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, जो सिर्फ करनाल के जो लोग हैं वही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे और टेंटों में रस्सी लगा के पूरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो कपड़ा वगैरह बाहर से आता है उसको लेकर आप क्या? जो बाहर से कपड़ा आता है वो नहीं आए, देखो वो अब करंगेट में लगा देते हैं, पर खुल गया बाजार, पर जो बाहर से लोग आके लगाते हैं दिल्ली से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, वो ना आए, वो ना आए, बस वो ना आए, उनके लिए बैन कर दे प्रशासन भी कर दे, और ये जो हमारे टेंट वाले हैं ये भी कर देंगे, ये भी बैन करेंगे, भी हम उन्हें अलाउ ही नहीं करेंगे अपने साथ अगर कोई आएगा, बल्कि प्रशासन को सूचित करेंगे कि ये बंदे बाहर से आए हैं। कहीं ना कहीं डर तो आप में भी है। बिल्कुल डर तो है,
सर बच्चे बच्चों के लिए रोटी भी चाहिए और बच्चों की जान भी बचानी है, दोनों काम है, दोनों काम है जी, दोनों तरफ से बचाना है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, इसी बारे में ही कहना चाहते हैं जी, हम जो आपको बताया गया है फिलहाल इसी के बारे में कहा है। हाँ जी, ओम प्रकाश जी मेरा नाम है। तो मैं तो प्रशासन से यही मांग करूँगा कि हमारे जो है ना 12 सेक्टर में जितने भाई फड़ी लगाते हैं उनकी आईडी लेके उनके पास बनाए जाएं और वो टेंट वाले को दिए जाएं, जो करनाल के रहने वाले हैं लोकल उनको ही लगाने दिया जाए, बाहर के आदमियों को नहीं आने दिया जाए। कितने टाइम से रेडियो फड़ी नहीं लगा पा रहे आप? हमें तो चार महीने से 15 मार्च को लगाई थी लास्ट, उसके बाद तो लगी नहीं जी, कहीं भी लगा रहे घर बैठे हैं जी। तब से घर बैठे खा रहे हो? हाँ जी, मजबूरी में आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा जी। प्रशासन से हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो हमारे को पास जारी किए जाए वो टेंट वालों को दीजिए उसकी कॉपी, टेंट वाले ताकि सोशल डिस्टेंस बना के हमारे को जगह दी जाए। सब कुछ खुल चुका है, दुकानें, खर्चे भी कम हुए हैं, कुछ खर्चे कम हुए हैं, खर्चे तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है, बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन पैसे नहीं है जेब में। पूरा सेफ्टी का ध्यान होगा जी, पूरे हमारे पैसे को आई डी लेके हमारे पास बनाया जाए, टेंट वाले को जारी किया जाए, पूरा पास हमारे परिवार इसी से चलता है और तो हमारा रोजी रोटी का साधन ही नहीं है। क्योंकि इस टाइम करनाल में हर चीज खुल चुकी है, हर चीज खुल चुकी है, एक सिर्फ संडे बाजार रह गया, संडे बाकी इवन सब कुछ खुल चुका हुआ है, तो ये किस लिए बंद कर रखा है? ये भी खोला जाए सर, इसी पे डिपेंड है, ये भी खोला जाए, लोग डिपेंड है, कम से कम 700-800 बंदा है जी, 700-800 बंदा जिनकी 700-800 फड़ी यहाँ लगती है, वो भी इवन करनाल के तो है ही है 700-800 बंदा, बाहर का ज्यादा है, बाहर का हम कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बाहर का हम भी अलाउ नहीं करते, फिर 40% फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनेगी, एक छोड़ के एक भी लगेगी और बाहर का बंदा नहीं आएगा, हम भी चाहते हैं बाहर का ना आए। आज 7-8 महीने हो गए हैं, मतलब कि ज्यादा ही हो गए होंगे, ये लगा लो कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से घर बैठे हुए हैं, इवन खर्चे भी हैं, घर का किराया भी है, बच्चों की फीसें भी हैं, और भी खर्चे हैं, अपने भी खर्चे हैं, सारा कुछ है, सब कुछ है जी, सब कुछ क्या करें सारा दिन घर। ये कौन बताएगा कि ये बाहर से आ रहे हैं या हम बताएंगे? आप बताओ, हम बताएंगे, हमें पता है, हमें पता है कौन बाहर से है, हमें पता है, या हमारे जो टेंट वाले हैं उनको पता है, जो टेंट वाले हैं उनको पता है ये बाहर से हैं, से ये हम तो ये कहते हैं कि जैसे पहले पास पैसे पास इशू करे थे वैसे ही अब पास इशू कर दे, लोकल पास इशू कर दे, बनाएगा लोकल बंदे का तो वो भी हम मान्य करेंगे, हाँ, हमें वो मंजूर है, हमें बाहर वाले तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हम भी चाहते हैं कि बाहर वाले ना आए, पहले हम अपने क्योंकि उन्हीं से फैल रहा है, बाहर वाले अपने शहर की देखेंगे, आ चुकी है उसको कवर के दायित्व का पालन करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कोई लोग अम्बाला से भी आते हैं, कोई पानी पर सेंटर लगाने के लिए सहारनपुर से आते हैं, मुजफ्फरनगर से भी लोग आते हैं, पानी यूपी से भी आते हैं, आते हैं सर, हम तो शुरू से यही चाहते थे कि अपने करनाल के लगे, बाहर के लोगों को बंद किया जाए, ऑटोमेटिक ये होगा कि जहाँ 100 फड़ी लगती थी वहाँ ऑटोमेटिक 40 फड़ी लगेगी, बाहर के लोग ज्यादा आके लगाते हैं उससे भीड़ भी ज्यादा लगती है, आप हमें आधार कार्ड के ऊपर हमारे को एक पास बना के दिया जाए तो फड़िया वैसे ही कम लगेंगे, डिस्टेंस बना के हम मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और अपना ये क्या नाम है सैनिटाइजर पूरा करेंगे, यूज करेंगे सैनिटाइजर, टाइम का भी पूरा पालन करेंगे, समय का पूरा पालन किया जाएगा, जो भी समय कृपया करके हमें अनुमति दी जाए, आपसे सविनय निवेदन है हमें अनुमति दी जाए फड़ी लगाने की, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उसी पे निर्भर करती है। प्रशासन से सहयोग चाहते हैं और आप उतना ही सहयोग बिल्कुल बिल्कुल करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, उसी से करेंगे जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.